चलुम्बर घर से निकले युवक का कुएं में मिला शव। दो दिन पूर्व घर से निकला था युवक। परिजनों ने अप्रिय घटना की जताई आशंका। सेमरी के जामबुड़ा गांव में दो दिन पूर्व घर से निकले युवक का कुएं में मिला शव। जामबुड़ा गांव में गत 3 जुलाई को धर्मा पुत्र बदाम मीणा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तभी गांव के पास एक कुएं में लाश मिलने की सूचना पर सेमरी थानाधिकारी कर्मवीर सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहां धर्मा के गुम होने से पूर्व जिस घर उसे अंतिम बार देखा गया उसके व बदा के परिजन आमने सामने हो रहे थे। थानाधिकारी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर समझाइश कर मामला शांत किया। बाद में ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकाला, जिसकी पहचान धर्मा के रूप में हुई। मृतक के पिता बदा ने अनहोनी की आशंका को लेकर रिपोर्ट के अनुसार मौका कार्रवाई कर शव को सेमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। सलुम्बर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। पुलिस थाना परिसर में उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरगर की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न, जहां उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरगर ने कहा कि शहर के विकास में सभी नागरिक धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ शांति सौहार्द के साथ शहर के विकास के लिए एकजुट हों। वहीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम रतन ने संविधान के अंतर्गत विधिक न्यायिक में आमजन को मिलने वाली राहत व हर वर्ग को सहजता के साथ न्याय प्राप्ति के लिए बने कानून की जानकारी दी। तो पुलिस अधीक्षक सुधा पालावत ने शांति सौहार्द के लिए सबको एक साथ मिलकर पुलिस से चाहने वाले हर संभव प्रयास के लिए आमंत्रित किया। सलुम्बर 11 केवी विद्युत लाइन का खंभा गिरा, 12 घंटे तक सलुम्बर शहर में रही बिजली बंद। नगर के सूरजपोल में बंदर के कूदने से 11 केवी विद्युत लाइन का खंभा गिर गया, जिससे नगर में आधे दर्जन से अधिक वार्डों में करीब 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। शहरवासी दिन भर भीषण गर्मी में तपते रहे। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग बंदर के कूदने से खंभा गिरने की बात बताई। जानकारी अनुसार सुबह करीब 8 बजे नगर के वार्ड नंबर 19 सूरजपोल मार्ग पर 11 केवी विद्युत लाइन का खंभा गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बंदर के कूदने से खंभा गिरा, जिसे नगर के सूरजपोल रोड, खटीकवाड़ा, भोईवाड़ा, बारकाशर, गांधी चौक, होली चौक, खाई मोला, सुधारवाड़ी, पैलेस रोड सहित करीब आधे दर्जन से अधिक वार्डों में बिजली आपूर्ति बंद रही। सूचना पर बिजली विभाग मौके पर पहुंचा और कार्य शुरू किया। नगरवासियों का कहना है कि खंभा पहले से क्षतिग्रस्त था, बंदरों के कूदने से खंभा गिर गया। खंभे के झुकते 11 केवी की लाइन वायर खींच जाने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शहरवासियों का आरोप है कि विभाग समय पर रहते मरम्मत का कार्य देख लेता तो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सलुम्बर महावीर इंटरनेशनल ने आयोजित किया पौधरोपण कार्यक्रम। उदयपुर जिले के सलुम्बर में महावीर इंटरनेशनल युवा एवं मुख्य शाखा सलुम्बर की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। युवा अध्यक्ष हितेश जैन ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल 47वां स्थापना दिवस पर स्थानीय शाखा ने 101 पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर बस स्टैंड स्थित उप कारागृह परिसर में 31 पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य शाखा अध्यक्ष चेतन जैन ने बताया कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी ने सभी पेड़ पौधों की अहमियत का एहसास करा दिया है। युवा सचिव मनोज जैन ने बताया कि उप कारागृह परिसर में आशा फल के 21, चंपा के 4, मोगरा के 2, लीली के 2, बोटल पाम 2 सहित कुल 31 पौधे लगाए गए हैं। उप कारागृह के डिप्टी जेलर सैयद आमिर अली ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल ने पौधरोपण के लिए जेल परिसर का चयन कर एक अच्छी मिसाल पेश की है। पौधों की देखभाल का जिम्मा जेल प्रशासन उठाएगा। इस अवसर पर संस्थान के सचिव महेंद्र रूपावत, पूर्व जिला आयुर्वेदिक अधिकारी अमरचंद जैन, मोहनलाल जैन, सूरजमल जैन, यशवंत शर्मा, रमेश कचौरिया, गजेंद्र शाह, नारायण सुथार, बदामीलाल जैन, मुख्य प्रहरी जगदीश, विपिन चंद्र सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।